नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। एनटीए ने यूजीसी नेट पेपर के लिए जारी की नई तिथियां। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के शहर की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा की विषयवार तिथियों में अंग्रेजी का पेपर 21 अगस्त को, हिंदी का पेपर 26 अगस्त को, इतिहास का पेपर 29 अगस्त को, वाणिज्य का पेपर 3 सितंबर को और राजनीति विज्ञान का पेपर 4 सितंबर को आयोजित होगा। गोरखपुर मंडल में एमबीबीएस की 675 सीटों पर शुरू होगी पढ़ाई। गोरखपुर मंडल में इलाज और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। जिस गोरखपुर मंडल में इलाज और चिकित्सा शिक्षा के लिए एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, बीते 7 साल में योगी सरकार ने उसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन का हब बना दिया है। इस मंडल में इस साल एमबीबीएस की 300 नई सीटों पर दाखिला शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर मंडल में एमबीबीएस की 675 सीटों पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सरकार के प्रयास से इस मंडल में 7 साल में एमबीबीएस की करीब 7 गुना सीटें बढ़ गई हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, आयुष्मान कार्ड बनाने की तारीख बढ़ी। पूर्णिया जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम को नई गति मिली है। पूर्णिया के सभी राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया गया है। जिले के 1329 सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS केंद्रों पर यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें वे सदस्य भी शामिल हो जो अब तक इस योजना से वंचित रह गए थे। लाभार्थी अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र यानी कि डीलर के पास जाकर आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। यूपी में शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू, दिव्यांग महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नई नीति जारी की है। इस नीति के तहत सबसे पहले शिक्षक विहीन और बंद पड़े स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। ऐसे स्कूलों में 2 शिक्षकों को भेजा जा सकेगा। स्थानांतरण प्रक्रिया में सबसे पहले दिव्यांग महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद दिव्यांग पुरुष, सामान्य महिला और सामान्य पुरुष शिक्षकों को विद्यालय चुनने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें शुरू, झांसी के लोगों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने गोरखपुर और मुंबई के बीच 2 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है, जो झांसी से होकर गुजरेंगी। इससे झांसी वासियों को मुंबई जाने के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें आसानी से यात्रा करने में मदद मिलेगी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।